अभी देता हूँ। क्रीम ये लीजिए साहब, बारह ने पिया बिन ना आपके पास पर क्यों चॉकलेट है? हाँ हाँ पीना मैन पर गुलेक्स कौन सी चाहिए? नहीं जुलाब की गोली। ओहो, आप बोलते तो इंग्लिश में जुलाब की गोली चाहिए। अरे भाई जग्गो इन्हें जुलाब दे दे। भाई साहब जुलाब की गोलियां तो यहीं पर ही हैं। लो भाई 1 रुपया बच्चे के लिए आधा गोली और बड़े के लिए पूरी गोली, बिल ले लो। जग्गो तू गाना मत गाया कर। क्यों? अगर तेरे गाने के फेर में मैंने किसी को उलट सुलट दवा दे दी तो दोनों फांसी पे चढ़ जाएंगे। सच बताओ भाई साहब आज फिर कुछ घर में झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं होगा तो क्या हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा होगी? इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब कि लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कई जन्म तक काम आएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों बाबूजी का मिजाज तो तुम जानते हो, वो ईमान धर्म से 1 इंच इधर उधर हटने वाले नहीं। हाँ यही तो हमारी समझ में नहीं आता कि ईमानदारी और दुकानदारी तो दो अलग बिजनेस हैं, एक यहाँ के लिए और एक वहाँ के लिए, फिर न जाने क्यों सेठ जी दोनों को इकट्ठा किए देते हैं। मैं क्या करूँ, वो बाप हैं, उन्हें कौन समझा सकता। हाँ यही तो मुसीबत है कि उनका कोई बाप नहीं, उन्हें कौन समझाए। पर ये कौन सा इंसाफ है कि मेहनत आप करें और बिरज बाबू आपकी कमाई उड़ाता फिरे। ये अपनी अपनी किस्मत है। मैं दुकानदारी करते करते दिन रात मरा जा रहा हूँ और छोटे भाई बीए पास करके लॉर्ड साहब बनने वाले। भाई साहब सच कहूँ अगर मैं आपकी जगह पे होता तो फौरन बता देता कि किताबों का क्या भाव है और दुकानदारी का क्या भाव है, समझे आप? साहब आपके पास MB 693 है? नो आउट ऑफ स्टॉक, आप समझे ना मेरा मतलब। है जाओ देखो। नहीं है भाई साहब। मैं कहता हूँ जाओ देखो। भाई साहब क्या है? जरा इधर आइए ना। क्या बात? चलती हुई गाड़ी में आप ब्रेक क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा माल हमारे ही दुकान में है, बाजार भर में नहीं है, अगर आप चाहें तो कुछ कमाएं। क्या मतलब? मतलब ये कि काला बाजार, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट। देख जग्गू तू बाबूजी की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ, वो जरा जरा सी बात पर मुझ पर बिगड़ जाती है। और इसके अलावा ब्रिज ने मेरी तरफ से उनके खूब कान भर रखे, अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो कान पकड़ कर निकाल देंगे। ओहो आप भी कमाल करते हैं। अजी बाबूजी तो पलंग से नहीं उठ सकते, वो दुकान क्या देखने आएंगे? और फिर दुकान की आमदनी तो ईमानदारी से दुकान में रहेगी और बिजनेस की आमदनी कुछ हमारी कुछ आपकी। ये बात तो ठीक है मगर तू देख। हाँ आप बेफिक्र रहें, देखिए क्या होता है। ये लीजिए MB 693 10 रुपीज। 10 रुपए? 10 रुपया जी, मगर इसका कंट्रोल प्राइस तो 3 रुपए कुछ आने हैं। हम भी क्या करें साहब, बाजार से लाते हैं, ग्राहक को सस्ता कैसे दे सकते हैं। आप यूं करिए ना, यहाँ भी कई दुकानें हैं, तलाश कीजिए, जहाँ सस्ती मिले वहीं से ले लीजिए।
अब कहाँ भाव तलाश करते हैं। लीजिए दीजिए, हम भी मजबूर हैं साहब। थैंक यू वेरी मच। देख लिया भाई साहब, इसलिए मैं कहता था कि जरूरी दवाइयाँ छुपा दीजिए और वो ग्लास हो तो गुम कर दीजिए। अच्छा जी हाँ, फिर देखिएगा कि माल गायब और धन मौजूद। यार तुम तो जादूगर मालूम होते हो। भाई साहब आप भी गा रहे हैं। कितने का फायदा हुआ आज? 300। ईमानदारी में कितना नुकसान उठाया हमने। एक दिन में 300 तो महीने के बने 9,000 और एक बरस के बने 1,08,000 और ये धंधा हम 3 बरस से कर रहे हैं तो कितना हुआ? 3 बरस का 3,24,000 और ब्याज मिला के तो 4,00,000 होते हैं भाई साहब। 4,00,000 जगो, ये 3,24,000 रुपए मुफ्त में गए। मुफ्त में क्या गए? पानी में गए भाई साहब, पानी में गए। अगर ये रुपए हमारे पास होते तो और कोई धंधा करता। मगर एक बात है, ये रुपए घर न ले जाना। क्यों? कहते हैं कि ऐसी कमाई जिस घर में जाती है वो घर फलता नहीं। क्या मतलब? अब मतलब कैसे समझाऊं भाई साहब, धन तो जरूर बढ़ता है। हाँ। एक तो औलाद नहीं होती और दूसरा कोई न कोई मरता जरूर है। मरता? अरे यार, तो सुबह शाम में बाबूजी। अरे जब भी तो कहता हूँ ये रुपए घर न ले जाइए, वरना बाबूजी के साथ माताजी भी। हाँ तो फिर ये रुपए आखिर ले जाए कहाँ? ले जाने का ठिकाना मैं बताऊंगा। हराम की कमाई हराम में जाने चाहिए भाई साहब। थई ता ती दा दिग थई थई ता थई। करवटे अपनी जगह हम भी बदलते।
मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा, मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा। अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर, राधे जमुना के तीर के। हेलो, अजी इतनी रात तक क्या कर रहे थे? अरे सुनार के पास था, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। पिताजी की तबीयत कैसी? न मरते हैं न जीते हैं, सुना है कि शाम से हालत ज्यादा खराब है। अच्छा तो मैं जरा उन्हें देखूं। अब एक ही बार देख लेना, दिन भर दुकान में सर खपाओ, रात को भी चैन नहीं। क्या ब्रिज और माता जी उनको देखने के लिए काफी नहीं है? अरे काफी तो है, मगर दुनियादारी करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा चलो आराम करो। अकेली मत जइयो राधे। घनश्याम मालूम होता है? जी हाँ माता जी। यहाँ आए बिना चले गए? आज देर से आए, शायद थके हुए हो। ऐसा भी क्या थका होगा जो इन्हें एक नजर देखने भी नहीं आया। क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए। कितने की है चूड़ियां? कितने वितने को छोड़ो, तुमसे तो साफ साफ कह दिया ये मुनीम जी की मेहरबानी की है। तो अब जैसे मुनीम जी कहे वैसे ही कीजिए, दुनिया में भले आदमी मुश्किल से मिलते हैं। कहती तो ठीक हो। आज बड़ी देर से आया बेटा, अब तक दुकान में क्या कर रहा था? माता जी मैं दुकान का हिसाब किताब कर रहा। और ये क्या चूड़िया नई दिखाई दे रही है, कहाँ से आई? बाजार से। और पैसे? पैसे किसी ने चोरी नहीं किए हैं। ये किसने कहा कि तुमने चोरी की? दुकान तुम्हारी, घर तुम्हारा, जिस तरह चाहे खर्च करो। आखिर घुमा फिरा के आपने वही बात कह दी ना, मेरा पहनना ओढ़ना तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं किसी नंगे भूखे घर से तो उठकर नहीं आई हूँ। तुमने तो बेबाक की बात बढ़ा दी बहू। भगवान तुम्हारे मायके वालों को सलामत रखे। मैं तो उनके ख्याल से कह रही थी, हिसाब किताब के मामले में वो किसी की परवाह नहीं करते। उन्होंने हम लोगों को अच्छा कब समझा है? आपने हमेशा ही हम लोगों को चोर और बेईमान समझा। ये लीजिए चाबी और देख लीजिए इन चूड़ियों के साथ और कौन कौन सी चीजें बेईमानी से बनाई गई है। क्या आप लोग जरा आहिस्ता बातें नहीं कर सकते? घर को मछली बाजार बना रखा है। हे लॉर्ड साहब, तुम जाकर अपनी किताबें संभालो या पिताजी को देखो। तुम्हें हमारे मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। मैं आपके मामले में दखल देने नहीं आया, बल्कि ये याद दिलाने आया हूँ कि पिताजी बीमार है। सुन लिया? क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग भी बीमार हो जाएं? आप बड़े, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। पिताजी की हालत पर तरस खाने वाला कोई नहीं। अरे बड़ा आया तरस खाने वाला, चल जाए यहाँ से। भैया क्यों झगड़ते हो, क्यों झगड़ते हो बाबा? अब एक ही बार खूब जी खोल कर झगड़ लेना। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ? डॉक्टर ने तो आपको उठ के बैठने के लिए भी मना किया है। ये तुम्ही लोगों की मेहरबानी है भाई, जो उठकर बैठ ना सके उसे तुम लोग यूं सताते हो। बच्चों के झगड़े में आप अपना दिल क्यों दुखाते हैं? कुछ तो अपनी हालत पे दया कीजिए। मेरे ऐसे बदकिस्मत बाप भी दुनिया में कम होंगे। न चैन से जी सका और न आराम से मर सकता हूँ। बाबूजी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस तरह गुस्सा करने से आपकी हालत और खतरनाक हो जाएगी। चलिए। चुके ठीक, तुम जितना चुप रहते हो उतने ये लोग शेर हुए जाते हैं। आज माता जी का आर्डर हुआ है कि ऐनक खरीद दो। ऐनक?
वो किस लिए? आंखों से दिखाई नहीं देता, अंधी हुई जा रही है। इतना दुनिया को देख चुकी है फिर भी दिल नहीं भरा है। ब्रिज घनश्याम, सुन रहे हो? सारी दुनिया चैन से सो रही है, ये न जाने रात को क्या ढूंढती फिर रही है, नाक में दम कर रखा है। घनश्याम गिर गई, अब चलकर दवा इलाज करो। इन लोगों ने तो मकान को कबड्डी का मैदान बना रखा है। चलो माता जी, माता जी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? माता जी जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो फिर रात को इधर उधर क्यों घूमती फिरती हो, दूसरे की नींद खराब करती हो? ये आईडिन लगा दीजिए। रहने दो बेटा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कैसे ठीक होगा माँ? वो जब आपका दिल तोड़ चुके तो उन्हें हाथ के टूटने का क्या अफसोस होगा? आपने उन्हें बेकार ही पुकारा था माँ। जब हम लोगों का पुकारना बेकार समझते हो तो फिर अपना ख्याल खुद क्यों नहीं किया करते? दूसरों को तकलीफ क्यों दिया करते हो? है? दूसरों की तकलीफ का ख्याल करते ही मैंने आज तक अपना ख्याल नहीं किया बेटा। अगर मैं अपना ख्याल करती तो तुम लोगों का ख्याल कौन करता? हालत तो ऐसी है कि मुँह से ठीक बात नहीं निकलती मगर जबान दिल दुखाने से बाज नहीं आती। जरूर तुम्हारा दिल दुखा होगा बहू, माँ बाप की तकदीर ऐसी फूटी होती है कि लोरियां सुनाते हैं और गालियां सुनते हैं। किसकी इतनी हिम्मत है कि आपको गालियां दे? मुंह में जबान बाकी नहीं रहेगी। ब्रिज मुझे तुम्हारा ये गुंडापन बिल्कुल पसंद नहीं। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ या अपनी भाभी के साथ आज से ठीक नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अच्छे किसके लिए हैं? बाबूजी कभी आपसे खुश नहीं रहे। एक विधवा बहन है उसको भी आपकी वजह से इस घर में पना नहीं मिली, आखिर मजबूर होकर स्कूल की नौकरी करनी पड़ी। राधा के ताने मुझे क्यों देता है? तुझे शर्म नहीं आती? वो औरत होकर आज तक किसी के मोहताज नहीं और तेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने फैला रहता है। मेरे फैले हुए हाथ का तो आपको बड़ा ख्याल है, अगर इतना ही ख्याल आपको माँ की आंखों का होता तो 10-12 रुपए की ऐनक ला देते कि वो सीढ़ियों से गिरने से बच जाती। तो कौन उन्हें कहता है कि रातों को वो उठ उठ के सारा घर टटोलती फिरे? आखिर कौन सी चीज उनसे छुपा के रखी जाती है? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि नौकरानियों की तरह आपकी हर बात माना करें? अगर तुझे इतना ख्याल है तो तू खुद क्यों नहीं ऐनक ला कर देता? दूसरों पर बोझा लादता है और आंखें दिखाता है। इसमें आंखें दिखाने का कोई सवाल नहीं, बाप की छोड़ी हुई जायदाद घर और दुकान में मेरा बराबर का हिस्सा है। लो और सुनो, कानों में तेल डाल के चुप बैठे रहो, इसीलिए तो मैं इतने दिन से चिल्ला रही थी कि पानी सर से ऊंचा मत होने दो नहीं तो डूबोगे डूबोगे। मेरा कहना नहीं माना, सुन लिया? आज ब्रिज तू मेरे लिए क्यों झगड़ रहा? ऐनक नहीं आई तो मैं कौन सी मरी जा रही? जब सौभाग्य की रोशनी खोकर नहीं मरी तो अब आंखों की रोशनी खोकर क्यों मरने लगी? अब ये दुनिया देखने को जी भी नहीं चाहता बेटा, ऐनक क्या करूंगी? ऐनक आएगी माँ, जरूर आएगी। अगर भैया के पैसों से नहीं आई है तो ब्रिज के पैसों से आएगी। मैं आज इस रोज रोज के झगड़े का फैसला ही कर लेना चाहता हूँ। फैसला? क्या फैसला करना चाहते हो? यही कि बाबूजी की छोड़ी हुई जायदाद में से मेरा और दीदी का हिस्सा अलग कर दीजिए। दीदी राधा दूसरे के घर गई और पराई हो चुकी, बाबूजी ने उसे जो कुछ देना था वो दे दिया, रह गए तुम। तुमने भी 500-500, 1000-1000 करके सब वसूल कर लिए। अच्छा तो क्या वही मेरा हिस्सा था? और ये इतना बड़ा मकान और दुकान, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं? मकान? कैसा मकान? सपना देख रहा है? रूई के सट्टे में बाबूजी इतना हार गए थे कि उसी सदमे से उनकी जान गई। परसों मैं 3 लाख रुपए का वलन चुका के आया हूँ। ये मकान मॉर्गेज है और दुकान घाटे में चल रही। पड़ाया मकान वाला। क्यों उनकी आत्मा को दुख देता है? चांद पे धब्बा हो तो हो, लेकिन तेरे बाप के दामन पे कोई धब्बा नहीं था। सट्टा और जुआ खेलने वालों का वो मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। क्या ऐब भी कोई ढंडोरा पीट के करता है? वो हारे नहीं तो वलन मैंने कैसे चुकाया? ब्रिज तुमने भी जो कुछ आज तक लिया है वही तुम्हारा हिस्सा है। बस भैया अब आप अपने धर्म ईमान से इतना कह दीजिए कि इन तमाम चीजों में मेरी कोई चीज नहीं रही। तुम खुद अपने धर्म ईमान से समझ सकते हो कि अब तुम्हारा इन चीजों पर कौन सा अधिकार बाकी रह गया है। अगर तुम्हारे हिस्से में कोई चीज बाकी है तो वो सिर्फ माता जी, तुम इन्हें ले जा सकते हो। घनश्याम क्या तू मुझे सिर्फ अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद समझता है? मैं तेरी मां नहीं। अब इन्हें कुछ न कहिए माता जी, मुझे अपना हिस्सा मंजूर है भैया। ब्रिज माता जी ये तो सिर्फ मकान दुकान और कुछ रुपए हैं। अगर बंटवारे में एक तरफ सारी दुनिया होती और एक तरफ माता जी,
तो मैं सारी दुनिया को ठुकरा देता और माता जी को सराखों पे बिठा देता। आपकी बड़ी मेहरबानी है भैया, आपने मुझे बड़ा पवित्र हिस्सा दिया। चलिए माता जी। आदमी अंधेरे में उजाले के लिए दिया जलाता है, लेकिन तकदीर दिया जलाने वाले को ही जला देती है। जमाना एक सा नहीं रहता माँ, बीते हुए दिन याद करके आप क्या करेगी? जैसा आपका वो घर वैसा ये घर, आप परेशान क्यों होती हैं? विधवा बेटी के यहाँ पड़ी रहने में मुझे खुद शर्म आती है बेटा, और फिर दुनिया की जबान किसने पकड़ी है? दीदी जरा जल्दी से मेरा सामान बांध दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बम्बई में जो एक बाबूजी के दोस्त है ना माँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। तुझे इतने लाड़ प्यार से इसीलिए पाला था कि आज तू हमारे लिए दुनिया के ठोकरें खाए। बगैर ठोकरें खाए तो कोई नहीं संभलता, शायद इन ठोकरों से मेरी तकदीर सीधी हो जाए। अब आज्ञा दीजिए। लेकिन जल्दी वापस आना भैया, जमाना खराब है और अब मेरा कोई नहीं। आप इत्मीनान रखिए, मैं जल्दी आऊंगा। नमस्ते। भगवान तेरी मदद करे। अरे भाई ये सामान किसका है? ये सामान किसका है भाई? ए सेठ, हमें पूछ रहा है सामान किसका है? तुम्हारे मुता बहरे हो गए सब। अरे भाई तुम पूछो तो सही, ये सामान किसका है? जब से पूछ नहीं रहे थे तो क्या झक मार रहे थे? भाई यहाँ जगह नहीं है साहब, दूसरे डब्बे में जाकर बैठो। दूसरे डब्बे में हम क्यों बैठे? तुम सामान जो अपना ब्रेक में भिजवा दो। ब्रेक में तुम जाकर बैठो, हम काय को बैठे? एक तो तीन आदमियों की जगह घेर के बैठे हो, दूसरे रौब जमाते हो। मगर तुम मवाली पुना करते हो, मैं बुलाओ पुलिस को। बुलाओ पुलिस को, एक ऐसा दूंगा याद करोगे। मगर अब सफर तो करना है। हाँ हाँ, बीड़ी बीड़ी पियोगे? नहीं नहीं, जरा हमारी जगह का ख्याल रखना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जाइए आप। वाह साहब, जगह किसी की और कब्जा किसी का। जरा उठिए साहब। जरा माफ कीजिए, कोई दूसरी जगह ढूंढिए, परेशान मत कीजिए। देखिए यही जगह अपने से चौगने आदमी को हटाने के बाद मिली है। आप चाहती हैं मैं फिर किसी से झगड़ा करूं? क्यों जी, ये सीट इन्होंने रिजर्व कराई है। मालूम नहीं। अच्छा तो जरा सरक के बैठिए, दो आदमियों की जगह। चलिए साहब आ गए। हाँ हाँ। अच्छा संभल के पहलवान, संभल के। बाबू जी अपनी जगह पर बैठो। पहलवान क्या करते हो, हटो इधर, हटो हटो इधर, हटो। आप जरा इस नाम से बैठ जाइए। क्या करते हो यार, तो तुम क्यों लंबे होते हो?
ए मियां, ये मोटा आदमी कहाँ गया? भाई पीले स्टेशन उतर गया है। उतर गया? उठिए साहब, बंबई आ गया, बंबई आ गया। क्या हुआ? मेरा पर्स नहीं मिल रहा, जरा देखिए तो। मैं समझता हूँ वो मोटा आदमी ले गया। मेरा टिकट, पैसे, सब कुछ उसी में थे मिस्टर। टिकट भी? हाँ। अरे लिया भी था? लिया था मिस्टर। तो फिर गए काम? अरे साहब क्या सोच रही हैं, चलिए उससे साफ साफ कह देना कि टिकट खो गया। लेकिन मैं तो कह दूंगी कि टिकट खो गया, मगर टिकट चेक कर कब मानेगा? तो उसे घर का पता बता दीजिए, वो घर से पैसे वसूल कर ले। ये भी मुश्किल है। अच्छा साहब, तो आप जानिए और आपका काम। अब आप ये खड़ी हुई क्या सोच रही हैं, ये गाड़ी तो वापस चली जाएगी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? आप तो साहब मुझे स्टेशन पे मुर्गा बनवाएंगी। ये लीजिए मेरा टिकट। और आप? मैं तो चला ही जाऊंगा साहब। नमस्ते। हैं? नमस्ते। ये देखा आपने? जी। जा कहाँ रही हैं आप? क्या है? जरा मेरे साथ चलिए, आइए। ये सब ले जाओ और दो कप चाय और कुछ अच्छे से बिस्किट ले आओ। हाँ साहब, पहले ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी। घर से भागते हुए तो आपको शर्म नहीं आई, नाम बताते हुए आपको शर्म आ रही। अच्छा ये बताइए कि कानूनी एतबार से आपकी उम्र ठीक है ये कुछ कम? कुछ ज्यादा ही होगी। शाबाश, तो फिर आपको घर से भागने के लिए किस बेवकूफ ने कहा था? देखिए साहब, आप एक शरीफ लड़की हैं, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी है। खामखा अपने आप को बर्बाद न कीजिए। दुनिया में कोई अपनी खुशी से बर्बाद नहीं होता मिस्टर। आप राय तो दे रहे हैं लेकिन मेरी मुसीबतों को नहीं जानते। यही पूछने के लिए तो आपको यहाँ लाया हूँ, आखिर आप घर से भागे क्यों? ये सब मेहरबानियाँ मेरे भाई साहब की हैं। बचपन में जरा मुझे नाचने का शौक था, भाई साहब उस शौक को मिटाने के बदले और उभारा करते थे। एक दिन भाई, कितनी देर कर दी तुमने, वो लोग कब तक इंतजार करेंगे? मैंने कह दिया कि नहीं नाचूंगी। नहीं नाचोगी क्यों? नाच मैंने अपने शौक के लिए सीखा है, दुनिया के सामने नाचने के लिए नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को बुला कर लाया हूँ, तुम्हें उनके सामने नाचना ही पड़ेगा, आखिर इतने बड़े घर का खर्च कैसे चलेगा? और तुम्हें नाच सिखाने पर जो मुझे कर्जा लेना पड़ा है वो कहाँ से देंगे? शर्म तो नहीं आती? बहन को नचवा कर पेट भरना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, गरीबी तुझे नचवा रही है। चलती है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर मुझे भूखा ही मरना है तो तेरा गला घूंट कर मरूंगा। चलती है कि नहीं, बोल बोल। अच्छा
अगर तुम यही चाहते हो तो चलो। चलो साहब कैसा है? अरे ब्यूटीफुल। तो फिर लाइए ना एग्रीमेंट। जरूर लो, इस पर दस्तखत करो लो। और उसके बाद में ये घर छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस में खबर कर देती, घर से भागने की क्या जरूरत थी? पुलिस में कैसे खबर कर देती, वो हजार बुरा सही, फिर भी मेरा भाई है। हाँ साहब, यही तो मुसीबत है। आदमी दूसरों को सब कुछ समझाता है,
लेकिन जब उस पर वक्त पड़ता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ ठहरी कहाँ हैं? एक सहेली के पास आई थी, मेरी बदकिस्मती से वो भी मर चुकी। अब मुझे खुद नहीं मालूम कि दुनिया में मेरे लिए कौन सी जगह है। आजकल दुनिया भी कुछ अजीब गोलमोल हो गई है, कोई नहीं जानता कि उसकी जगह कहाँ। क्या सोच रहे हैं आप? क्या बताऊं? लोग दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाया करते हैं। मेरे भाई साहब ने मेरी किस्मत का फैसला करने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रखा है। लेकिन मैं इस कदर कमीना नहीं हूँ कि 500 रुपए के लिए अपनी शराफत बेच दूं। बॉय, बिल लाओ। क्या मैं आपके साथ ठहर सकती हूँ? मेरे साथ? जी माफ कीजिएगा, मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, मुझसे ऐसी उम्मीद न रखिए। Keep the change. Sir. मैंने कहा सुनिए, ठहरिए। जी कुछ नहीं। आखिर आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तो भी आप जबरदस्ती मेरे साथ ठहरना चाहती हैं? इसके अलावा और कर ही क्या सकती हूँ? आपको मुझसे डर नहीं मालूम होता? मैं आपको अच्छा आदमी समझती हूँ। देखिए जनाब, दुनिया में मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं समझता। भाई भावत मुझे बदमाश समझते हैं, रेल के मुसाफिर मुझे मवाली समझते हैं, और घर से भागी हुई लड़कियों का मुझे कोई तजुर्बा नहीं। जब तजुर्बा नहीं तो डरते क्यों है? फूक फूक के छाछ वही पीता है जो दूध से जल चुका हो। ओह, आप तो फिलासफर मालूम होती हैं। खैर चलिए, लेकिन देखिए अगर कोई तकलीफ हो तो शिकायत ना कीजिए, आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? जनाब, अगर आदमी कोई बेवकूफी करे तो उसको निभाने के लिए उसे लगातार बेवकूफियां करनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह होटल के लोग क्या समझेंगे? मैं होटल के लोगों का ख्याल करूं या अपने आराम का? क्यों, मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई आपको? देखिए जनाब, जागने की बात और थी, सोने का किस्सा और है। ये तो रोज ही की मुसीबत होगी। जी हाँ, यही तो रोना है। खैर सो जाइए, गुड नाइट। देखिए अगर आपको कुछ कपड़े वपड़े चेंज करने हैं तो मेरा सूटकेस नीचे रख। देखिए जी, जरा मेहरबानी करके बत्ती बंद कर दीजिए। क्यों? ओहो, अजीब मुसीबत है साहब। दरवाजा बंद कर लीजिए। अजी साहब, जरा दरवाजा बंद कर लीजिए। दरवाजा तो बंद है। मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर बंद कर लीजिए। किस लिए, क्यों? साहब यहाँ तो गर्मी बहुत है। कहिए साहब, रात नींद ठीक से तो आई? नींद तो आ ही गई थी, मगर खटमलों ने बहुत सताया था। पुरानी दोस्ती मालूम होती है, और खटमल होते भी अच्छे हैं, आदमी को जरा चौकन्ना रखते हैं। होते तो अच्छे हैं, मगर काटते बहुत बुरे हैं। बताइए कितने डालूं?
कि खटमल डालने का रहता है? नहीं, शक्कर के चम्मच कितने डाल? अब जितने में मीठी हो जाए। लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो मैं जाता हूँ, मुझे एक आदमी से काम के बारे में मिलना है। अच्छा जाइए, भगवान करे आप कामयाब लौटें। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर पहुंचते इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, उम्मीद है कि कामयाबी होगी। हाँ बेटा, एक बात का जरूर ख्याल रखना, पुलिस के महकमे में ईमानदारी और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो जरूर तरक्की करोगे। आप इत्मीनान रखिए। अच्छा अच्छा, नमस्ते, नमस्ते। क्यों, कुछ काम बना क्या? उम्मीद तो है बन जाएगा। देखिए, अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा मेरे कपड़े अटैची में रख दीजिए, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? घर। और घर जाते ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। अरे ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। एक गोली एस्प्रो की खा लीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी तबीयत। गम इतने खाने पड़ रहे हैं कि दवाओं की जरूरत नहीं। गम?
काहे करूं? ओहो, गुजरी हुई बातों की याद नहीं करते उषा दीदी। ठीक कहती हैं। कौन था? होटल वाला था, मैंने उससे बिल मंगवाया था। देखिए जालिम ने दो दिन के 60 रुपए लगाए हैं, हालांकि हम एक ही दिन रहे। इतने पैसे हैं भी या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 लीजिए, यहाँ तो सिर्फ 50 ही रुपए हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो फिर अब आपका क्या होगा? आप यहाँ कैसे रहेंगे? आप भला मेरे लिए क्यों सोच रहे हैं? आपको मेरे भले बुरे से क्या काम? आप धूप की तरह आए थे और साया बन के जा रहे हैं, मेरी फिक्र ना कीजिए। यही तो मुश्किल है, आपके लिए न सोचूं तो दिल नहीं मानता। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? कहाँ? मेरे घर। लेकिन उस शहर में मेरा भाई जो रहता है। तो आपका भाई क्या बिगाड़ेगा, हम शादी कर लेंगे। शादी? लेकिन आप और आपके घर वाले एक घर से भागी हुई लड़की को कबूल कर लेंगे? हीरा अगर मट्टी में भी पड़ा हो तो उसे कौन नहीं उठा लेता। ये देखिए अपना मकान। लेना भाई, आइए साहब आइए। ब्रिज आ गए बेटा। नमस्ते माँ। खुश रहो, कुछ काम मिल गए? उम्मीद तो है माँ, मिल जाएगा। उषा अंदर आओ, अंदर आओ। ये मेरी माँ। नमस्ते। ये कौन है बेटा? ये उषा है माँ, इनके रूप से अंधेरी रात की सुबह हो जाती है। आइए बैठिए। अरे तेरा सामान कहाँ है? अब तो कुछ और ही सामान है माँ, पुराना सामान तो होटल में छोड़ आया हूँ। बिल अदा करने के लिए रुपए नहीं थे। तो सामान छोड़ा है? हाँ। अच्छा लड़का है। अच्छा जा, तू नहा ले, बहुत थका हुआ है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं आपको सुख देने आई हूँ, तकलीफ देने थोड़े। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पहले पहले आप आई हैं हमारे यहाँ, बैठिए। माताजी बेचारी पुराने जमाने की सीधी सादी औरत है, वो इशारों की बातें क्या जाने। मैं उन्हें जाके अभी समझा देता हूँ। आप ये सब क्या कर रही हैं माँ? अगर उषा को जरूरत होगी तो वो खुद चाय बना के पी लेगी। नहीं बेटा, भला मेहमान से कोई काम लेता है? लेकिन उषा मेहमान तो नहीं। मेहमान नहीं? नहीं माँ, वो आपकी होने वाली बहू है। बहू? तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? माँ के दिल को आजमा रहा है। नहीं माँ, अपना मुकद्दर आजमा रहा हूँ। ब्रिज, नमस्ते। बैठी बैठी, आराम से बैठी। माता जी कहाँ है? वो उधर गई। कुछ काम बना? अभी आ रहा हूँ दीदी, काम की तुम फिक्र न करो, जल्दी मिल जाएगा। बाहर एक खूबसूरत सी लड़की कौन बैठी हुई है? वो तो मेरे घर की रोशनी है बेटा। रोशनी? मालूम पड़ता है अब मुझे अपने घर से बिजली का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। लो भाई, यहाँ झगड़े का बंदोबस्त शुरू कर दिया तुमने।
मैंने कहा साहब घर में नहीं है। अजी ये भोलापन छोड़िए जनाब, मैं आज बहुत थक गया हूँ, जरा दरवाजा खोलिए। कोई और दरवाजा देखिए साहब, शायद आप घर भूल गए हैं, माफ कीजिए। अजी हुजूर घर आए हुए को खाली हाथ ना लौटाइए। आप बड़े ठीक मालूम होते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अजी मुझे तो सब कुछ इसी घर से मिलता है, आप दरवाजा खोलिए, मुझे एक चोर पकड़ना है। चोर कहाँ है? चोर चोर तो नजरें बचा के कोई चीज उठाता है, आप तो आंखों में आंखें डाल के लूट लेती हैं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद पहले मेरी ही कलाई पकड़ी जा रही है। जी हाँ, इसलिए कि शादी के बाद आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं ना। हटी ना, आप बड़े बेशरम हो गए हैं, माताजी देख लेंगी। अरे आप माताजी को अच्छी तरह दिखाई कहाँ देता है? मोहब्बत अंधी होती है, ममता अंधी नहीं होती। उषा तुम ठहरो। उषा उषा माँ, ये आपको सैल्यूट कर रहे हैं। जरा नजदीक तो आ भैया, आज कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या पहन रखा है? इन्होंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी है माँ, चोरों को पकड़ते फिर रहे। ओह तो आज से तो दरोगा बनाए हैं। हाँ माँ। खुश रहो, फूलो फलो। आप तो खुश है ना माँ, आप बोलती क्यों नहीं? सुबान आंखों का साथ नहीं देती बेटा, भगवान ऐसा करते क्या आज तुझे अच्छी तरह देखने को मेरी जाती हुई आंखें मिल जाती, अब फिर चाहे मैं जन्म भर के लिए अंधी हो जाती। ऐसा ना कहो माँ, जब दिन का उजाला नहीं रहने पाता तो रात का अंधेरा कब तक रहेगा? मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आ रहा हूँ, कल सुबह आपको ले चलूंगा। आइए जरा, तुम माता जी को देखो।
विक्टोरिया। सुनिए तो। क्या बात है? देखिए मेरे गले में चंदन हार पड़ा हुआ है, आखिर ये किस दिन काम आएगा? ले दे के तुम्हारे पास एक ही जेवर तो है। मेरा जेवर तो आप हैं, ये लेते जाइए, परमात्मा देगा और बन जाएंगे। देखो जिद न करो, मैं अपनी तनख्वाह में से किसी न किसी तरह पैसे बचा लूंगा। तुम्हारा चंदनहार बेचकर माँ की आंखें बनवाने को दिल कबूल नहीं करता, बुरा न मानो। उषा, रमेश घबरा क्यों गई? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी बहन भी मुझसे डरती है? तुम इतने ही अच्छे होते तो बहन को घर से भागकर अपने आप को खतरे में न डालना पड़ता। सत्यानु, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, अखबारों में इश्तिहार तक दिए। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें उस वक्त नहीं मिली, नहीं तो जमाने से बढ़कर तुम मेरे लिए खतरनाक साबित होती। हर बुरे आदमी में कुछ अच्छाई भी होती है उषा, मैं लाख बुरा सही फिर भी तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें भाई कहते हुए शर्माती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ यहाँ आकर मेरी सुख भरी जिंदगी में तूफान ना उठा। मैं खुद यही समझता हूँ कि मेरा यहाँ आना हम दोनों के लिए ठीक नहीं। तुमने शायद इस सब इंस्पेक्टर से शादी कर ली है। हाँ, उन्होंने मुझे दुनिया की ठोकरों में आकर मिट जाने से बचा लिया है, वो मेरे पति हैं। परमात्मा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, न जहेज देकर तुम्हें घर से रुखसत कर सका, न तुम्हारे पति को सलामी ही दे सका, उल्टा मेरा हाथ तुम्हारे आगे फैला हुआ है। क्या चाहते हो तुम? बस इतनी मदद कर दो कि मुझे खुदकुशी न करनी पड़े। उषा आई माताजी। उषा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे पास खुद पैसे कम हैं। सब इंस्पेक्टर के घर में पैसों की कमी, ये हार दे दो। ये हार? ये तो मैंने एक जरूरत के लिए रखा है। तुम्हारी जरूरतें हजार तरह पूरी हो सकती हैं, सोच लो, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम फिर कभी मत आना, तुम ये हार ले जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से। उषा खुश रहो, उषा जाओ यहाँ से। कौन था बहू? एक भिखारी था माताजी। भिखारी से बड़ी लंबी बातें कर रही थी तुम? बहुत दुखी होगा बेचारा। हाँ माँ, परमात्मा ने उसे इंसान का रूप दिया लेकिन इंसानियत नहीं दी। माँ बाप ने जन्म दिया लेकिन अच्छी तालीम नहीं दी। दुनिया उसे ठुकराती है और रोटी नहीं देती। तुमने कुछ दिया उसे? हाँ माँ, मुझसे जो कुछ हो सका दे दिया। खुश रहो बेटा, तुमने गरीबों की मदद की है, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बैठिए। खेल तो नगद होता है? नगद है, नगद। बैठिए। 12 रुपया बकरा। कौन है बे? कड़का तो नहीं? बकरा है, बकरा दादा। दादा क्या? नीचे पुलिस। पुलिस? पुलिस, चलो भाई चलो। अरे डरो मत, मैं इनसे निपट लूंगा। ए, सब पत्ते छिपा ले और पेटी और ढोलक पकड़। बहुत अच्छा, चलो चलो।
खबर किसी को नहीं वो किधर को देखते हैं, ये कौन जाने के दिल या जिगर को देखते हैं। नजर बचा के हम उनकी नजर को देखते हैं, नजर बचा के हम उनकी नजर को देखते हैं। जो बेखबर है उसी बेखबर को देखते हैं, दुआएं मांग रहे दुआएं मांग रहे हैं असर को देखते हैं, 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 दुआएं मांग रहे हैं असर को। सुना है उनको भी हम बेकसों से उल्फत है, कोई बताओ के कैसी हमारी किस्मत है। धड़क रहा है दिल अपनी अजीब हालत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको ओ, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को। अजी ये इश्क देखिए क्या दिन दिखाने वाला है, जरूर कोई नया गुल खिलाने वाला है, चमन से और कहीं लेके जाने वाला है, चमन से और कहीं है, चमन से और कहीं लेके जाने वाला है, चमन से और कहीं लेके जाने वाला है। जवाब खत का मेरे आज आने वाला है। अरे भाई जरूर आएगा। कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं, कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं, कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं, हाँ कभी घड़ी को कभी नामबर को देखते हैं, कभी घड़ी को कभी नामबर को। वाह दादा क्या तरकीब लगाई है, पुलिस चली गई? पुलिस चली गई? हाँ पुलिस चली गई। अब हम लोग शुरू हो जाएं? चलिए चलो भाई लोग। आइए साहब आइए, आप भी आइए।
गोपाल पत्ते लिया हो जाए अपना काम। अरे हाँ यार हो जाए ना भाई, आओ बैठो जरा, इतना बैठो बैठो चलो पांच रुपया दादा जी ना पत्ते बादशाह 20 रुपए लगी 10 रुपए और पहचाना पहलवान सिदरा मैंने कहा बाबू साहब क्या है ग्लूकोस है नहीं आउट ऑफ स्टॉक। अरे साहब मैं पिछले हफ्ते आपसे लेके गया हूँ। आप लेके? जी हाँ। तो सुनिए साहब 3 डिब्बे हैं 11 रुपया फी डिब्बा। अरे साहब पिछले वक्त भी आपने ज्यादा भाव दिया था और कंट्रोल प्राइस तो 2 रुपया 12 ना है। आप कंट्रोल प्राइस क्यों सुनाते हैं? 10 रुपए की खरीदी है मेरी, आपको लेना तो ले जाइए ना चले जाइए। अरे साहब इस वक्त तो 11 रुपए नहीं है। तो बाद में ले जाना। खैर मैं लेके आता हूँ। आंखें क्यों दिखा? अरे साहब आंखें कहाँ दिखा रहा हूँ, मैं तो पैसे लेने जा रहा हूँ। तो जाइए ना। अच्छी बात है, माल लेते हो मजाक करते हो। कहिए साहब आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लाइए साहब वो ग्लूकोस डी। ग्लूकोस राम राम। कहिए साहब अगर आपको कहीं ये डब्बे मिल जाए तो 2-4 मुझे दे जाइएगा। अरे साहब दोपहर को तो पूछ के गया हूँ और इतने में गायब। अच्छा आप ही आ जाओ दोपहर को? जी हाँ। आजकल मेरा दिमाग ठिकाने नहीं, फिर दाम तो आप जानते ही होंगे। बताइए ना दाम ही लेने तो गया था। यही 12 रुपया फी डब्बा। अरे साहब आप भी खूब दिल लगी कर रहे हैं। आपने अभी अभी तो 11 बताए थे। 11? जी हाँ। मैं समझा आप भूल गए होंगे। कितने डब्बे चाहिए? 3 डब्बे। 3 डब्बे ये लाइए 33 रुपए। ये लीजिए पीछे दरवाजे से जाना। जी हाँ वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम। दीवारों को भी काम है। चाहिए चाहिए ना। ओह बिज बाबू आप इस वक्त घनश्याम बाबू तो बाहर गए हैं और रुपए चाहिए। ले जाइए ले जाइए। हाँ तो मेरे भाग खुल गए। हाय और साथ ही साथ जेल के दरवाजे भी। मुनीम जी क्या क्या, 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 क्या कहा? मैंने कहा अब आपके लिए जेल के दरवाजे भी खुल गए। जेल के मेरे लिए? बिरज बाबू चलिए। बिरज बाबू आप मुझ बेकसूर को क्यों जेल भिजवा रहे हैं? मैं तो आपको अपने पिता समान समझता हूँ बिरज बाबू। इसका फैसला अदालत करेगी मुनीम जी। चलिए आप कुछ नहीं कर सकते बिरज बाबू। आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। चलिए मुझ गरीब पर दया कीजिए। कुछ मुझ गरीब पर दया कीजिए। मुल्जिम जगदम्बे इस्तकाजा के बयान और गवाहों की शहादत से तुम पर ब्लैक मार्केट और नफाखोरी का जुर्म साबित हो गया है। इस सिलसिले में अदालत तुम्हें 6 माह कैद सख्त और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा देती है। बसूरत अदम अदायगी जुर्माना 2 माह कैद की सजा मजीद। बंदा परवर माफ कर दीजिए मैं मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। दोबारा नहीं करूंगा तौबा। मुल्जिम घनश्याम दास अदालत तुम्हें इन्हीं जराइम में मदद करने के सिलसिले में 1,000 रुपए जुर्माना और 2 दिन कैद की सजा देती है। बसूरत अदम अदायगी जुर्माना 1 महीना कैद मजीद। लो बेटा घबराओ नहीं, अभी तबीयत समझ जाएगी। तुम्हारे लिए नई बात है लेकिन दुनिया की कोई माँ इससे बच नहीं सकी। माँ बेटा मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पुलिस हो गया। अच्छा ये तो होना ही चाहिए बेटा, दुनिया में हर शख्स अपनी तकदीर लेकर आता है।
इन्हें क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, होगा क्या, अच्छी भली तो है। तो फिर ये बीमार होंगे तो आई हूँ पड़ी। कोई बात नहीं, तू तो अब घर में भी पुलिस की तरह जांच पड़ताल करने लगा। ये किस्सा क्या है? माँ कहती है कोई बात नहीं और तुम हो के बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेती हो, आखिर बात क्या है? आप ही की मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? भाई साफ साफ बताओ। तो आप चाहते हैं कि मैं ढोल बजा बजा कर कहती फिरूं कि? अजीब आदमी हो, कहते कहते रुक क्यों गई, कहो ना। आप तरक्की कर रहे हैं तो क्या मुझे तरक्की नहीं करनी चाहिए? मैं भी कुछ होने वाली हूँ। ये बात है, कमाल है, हमको पता ही नहीं चला। माँ शोर क्यों मचाती हो, सबको मालूम है। भैया मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ दीदी आ जाओ। कहो। तुम दोनों को आशीर्वाद देने आई हूँ, मेरी बदली जबलपुर हो गई है। जबलपुर? दीदी ऐसे वक्त में हमें छोड़ के चली जाओगी? सजा 2 दिन की हो या 6 महीने की, लेकिन उसने हम दोनों की इज्जत पर पानी तो फेर दिया। भाई साहब मेरी बात ना करो, मैं शिमले न गया, नैनीताल न गया, जेल चला गया। रोना तो आपकी इज्जत का है। अब रोने धोने से काम ना चलेगा, सोचना तो ये है कि हम दो चार शरीफ आदमी की पगड़ियां ना उछलना पाए। जिस तरह उसने हम दोनों के हाथ में हथकड़ी पहनाई है, जब तक मैं उसके हाथ में हथकड़ी ना पहना दूंगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। इतना बड़ा दिलदार लिए फिरते हो, जरा इस खोपड़ी से कुछ तरकीब निकालो। जरा इस खोपड़ी से कुछ तरकीब निकालो। अरे मैम साहब ये खोपड़ी है, कोई मशीन नहीं कि इकनी डाली और टिकट निकल आया। हाँ समझी भाई साहब, खूब बताया। एक भंगी मेरा दोस्त है, कहो तो उसे पिटवा दूं। अबे इस तरह तो फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। ओ जेल तो पा ना। तेरा तो दिमाग खराब हो गया जब से जेल से बाहर निकला है। अरे भाई ऐसी कोई तरकीब सोच, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है। ब्रिज बहुत चालाक आदमी है, छोटी छोटी तरकीबों से कभी काबू में नहीं आएगा। तरकीब छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जरा लंबा जाल बिछाना पड़ेगा। अच्छी बात है, ये मुझी पर छोड़ दो, देखो मैं क्या करती हूँ। तुम छोटी बहन हो, किसी तरह बड़ी बहन की बात रख लो। आप माताजी से पूछ लीजिए। मैंने कह दिया बेटा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। जब आप मुझ पर इतनी दया कर रही हैं माताजी, तो साफ साफ कह दीजिए, वो जिस तरह अब तक ब्रिज को भाई समझते हैं उसी तरह मैं उषा को बहन समझकर ले जाऊंगी। सोचा तो ये था कि अब उस घर में हमारा बच्चा भी कदम रखे, लेकिन तुम इतनी जिद कर रही हो तो खैर उषा को ले जाओ। साहब शेयर बाजार का क्या हाल है? बहुत गिरा हुआ है भाई साहब। मैंने तो साइज बिजनेस खोला हुआ है, आटे दाल की दुकान खोली है। नहीं, 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 शरीफ आदमी का और काम ही क्या है। हाँ भाई हीरे तो नहीं बिकते आजकल, आज तो ब्लैक में आटा दाल बहुत बिकता है। शक्कर की ज्यादा। हाँ मैं कहूँ कोल्चे की दुकान खोलो। उषा ये तुम्हारे जेठ है, ये हमारी देवरानी है, इंस्पेक्टर साहब की पत्नी। क्या चंद्रमा की तरह निखरी सुतरी और फूलों की तरह हसमुख। नमस्ते। आइए तशरीफ रखिए। आइए। अरे उषा, अरे मंगला, तुम ये देख रही, ऐसी गुम हुई शादी के बाद मिली। अच्छा तो पुरानी जान पहचान है? जी हाँ, डांसिंग स्कूल में दोनों साथ ही सीखते थे। तो फिर मजा आ गया, आज इनकी बजाय आप अपना हाथ दिखाइए। माफ कीजिए मैं नाचूंगी नहीं। नाचोगी नहीं, इसमें हर्जी क्या है, देखिए ना सब बेचारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ उषा नाचो। खैर आप लोग जिद करते हैं तो मैं गाना सुना दूंगी, नाचेंगी आप। तुम क्यों नहीं नाचते? डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा तो आप लोग मजबूर ना करें। खाइए आप लोग चावल पीजिए। घटा घनघोर मन में नाचे मन
भोरे नाचे कलिया नाचे और नाचे मधुमास, भोरे नाचे कलिया नाचे और नाचे मधुमास, बिरहरन से मिलकर नाचे पिया मिलन की आस रे, पिया मिलन की आस, लहर लहर पे चंदा नाचे तथई थई, लहर लहर पे चंदा नाचे, किरण किरण पे चकोर मन में नाचे, मन क्यों नंगे वन में नाचे मोर, मुझे आज्ञा दीजिए और इन्हें संभाल लीजिए। क्या कर रही हो? ये उतारने के लिए तो नहीं पहनाए थे? फिर ये मुझसे ज्यादा तुम्हें सचते हैं उषा, और सच पूछो तो यही तुम्हारे बनाओ सिंगार के दिन है। तुम्हारे बदन पर कोई जेवर नहीं, तुम इन्हें मेरी तरफ से कबूल कर लो। नहीं नहीं भाभी, ये कभी नहीं होगा। चांद सूरज से रोशनी लेता है तो सुबह को उसे वापस कर देता है। इन्हें आप ही रखिए, मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रही हूँ। मेरी बात मानो, इन्हें साथ लेती जाओ। मैं गरीब हूँ, इतने कीमती जेवर पहनूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। अगर कोई पागल हो जाए तो क्या तुम उसके डर के मारे अपनी अकल से काम लेना छोड़ दोगी? हंसने दो, दुनिया तो हंसती ही है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन गरीब आदमी इतने कीमती जेवर पहने तो उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। हाँ, जेवरों के दाम जरूर कम हो जाते हैं। कम हो या ज्यादा, इन्हें तो तुम्हें मेरी मामूली सी भेंट समझकर ले जाना ही होगा। मजबूर न कीजिए, एक तो उन्हें मेरे यहाँ आने की खबर नहीं, दूसरे अगर उनकी बगैर इजाजत मैंने ये जेवर भी ले लिए तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छी बात है, लेकिन कुछ जेवर वगैरह बनवा कर रखा करो, बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आता, यही जेवर काम आते हैं। ठीक कहती हैं आप, देखूंगी मैं। अब आज्ञा दीजिए। अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। आ गई आप? मैंने समझा था शायद आप रहेंगी भी उसी घर में। मैं इसीलिए माता जी से पूछ कर गई थी कि शायद आप नाराज हों। इसीलिए मैं मजबूर हूँ, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे दोस्त किस तरह हो सकते हैं। कभी कभी इंसान गुस्से और जिद में ऐसा समझता है जो उसे नहीं समझना चाहिए। लेकिन जिसका सब कुछ छीन कर उसे घर से निकाल दिया जाए, क्या वो भी गलत समझ सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बस खामोश रहो। उनका आज का बर्ताव तो कुछ ऐसा ही था कि मैं उन्हें इतना बुरा नहीं समझ सकती। एक दिन के बर्ताव से तुम उन्हें अच्छा समझने लगी? जिसने उन्हें पैदा किया उसके दिल से पूछो कि उनका बर्ताव कैसा है। गलती इंसान से होती है, उन्होंने तो मुझे पार्टी में पहनने के लिए जेवर तक अपने दिए, और यही नहीं वो तो साथ तक लाने को कह रही थी। जी हाँ, भरी दुनिया में आप ही तो एक ऐसी मिल गई हैं
कि जिन पर वो इतनी मेहरबान हो गई। मैं सच कह रही हूँ। खैर होगा, मैं उनके किस्से सुनना नहीं चाहता। अगर उन्होंने फिर मजबूर किया तो क्या मैं उनसे जेवर ले लूं? देखिए ना, मेरे पास एक अंगूठी तक नहीं है। तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है और माँ के पास देखने के लिए आंखें तक नहीं। वो लोग जिनके दिए हुए दुख ने माँ की आंखें छीन ली, आज तुम्हें जेवर दे रहे हैं और तुम्हें कंगाल भिकारन की तरह उनके दिए हुए टुकड़े अपने दामन में समेटने के लिए मुझसे इजाजत चाहती हो। तुम्हें जेवर चाहिए? ठहरो। लो ये रुपए, ये मैंने मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए रखे थे। लाओ इनसे अपने लिए जेवर, खरीदो इनसे अपने लिए अंगूठियां। ब्रिज, ब्रिज, अरे कब तेरा गुस्सा कम होगा? आखिर कभी तुझे समझ भी आएगी? ऐसी हालत में बहू पे बिगड़ रहा है? अरे इन दिनों में तो लोग बहू बेटियों को फूलों की तरह रखते हैं। लो, ये रोने लगी। चुप। अरे मैं तेरी सास नहीं हूँ, माँ। ब्रिज डांट दिया करे तो चुपचाप मेरे पास चली आए। वो देखो सामने वाला मकान है, जरा होशियारी से काम करना। ये लो। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, 50 की शादियां कराई हैं तो 50 की छोड़ाई हैं। अपना हिसाब किताब बराबर है। ये शादी आदि का मामला नहीं है, ये मामला बड़ा बेढब है। इसको भी ढप पर ले आऊंगी, देखते रहना। अच्छा जाओ। आराम, कौन सा दिन दिखाए हो? इस जिंदगी से तो मौत भली थी। कौन है आप? किससे मिलना है? क्या चाहती हैं आप? मेरा लाल मुझे दे दो बेटा, मुझ बुढ़िया का इसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं तुम्हारी माँ से होकर तुम्हारे सामने आप हो। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप साफ साफ बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा बेटा बिगड़े हुए लोगों में रहकर बिगड़ गया, वो पकड़ा गया है। तुम इंस्पेक्टर साहब से कह के उसे बचा लो, मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारा नाम लेती रहूंगी। आपने बड़ी उलझन में डाल दिया है, वो इन सब मामलों में बहुत सख्त हैं। तुम्हारी गोद हरी हो बेटा, जिसने उन्हें पाला होगा उसकी ममता का वास्ता दे के छुड़ा लो बेटा, मैं कभी तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। मैं कहकर देखूंगी। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, तुम जरा भी जोर दोगी तो मेरा बिगड़ा नसीब बन जाएगा। ये क्या? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कुछ और मत समझ लेना। पहली बार आई थी, खाली हाथ आते हुए बुरा मालूम हो रहा था, मैं बेटी समझ के तुम्हें दे रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए उनसे कह दूंगी। वो तुम कहो या न कहो तुम्हारी मर्जी, ये तो मैं अपनी खुशी से लाई हूँ, इसे न वापिस करो बेटा। मदद खरीदी नहीं जाती, न बदला इनाम चाहती है। ये बदला और इनाम नहीं है बेटा, ये तो खुशी का सौदा है। वापस करोगी तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे पति ने मुझसे औलाद का सुख छीन लिया और तुमने दिल का सुख छीन लिया। देखिए, आप जिद करती हैं तो मैं रख लेती हूँ, मैं उनसे कहूंगी, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये वापस ले जाना होगा। जीती रहो, खुश रहो बेटा, तुमने मुझ बुढ़िया की बात रखी है, परमात्मा तुम्हारी इज्जत रखे। अरे राम, आए आए। आजकल तो आप हर वक्त लोगों को गिरफ्तार करने की सोचते होंगे। जी हाँ, पुलिस में तरक्की करने का तो यही तरीका है। लेकिन मैं इसी बात से डरती हूँ ब्रिज, कि कहीं इस पकड़ धकड़ में लोग तेरे दुश्मन न बन जाए। बुरे लोगों से दुश्मनी और भी बुरी होती है। कौन? ठहरिए मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर ब्रिज घर में है? जी हाँ। मैं सच वारंट लेकर आया हूँ। सच वारंट? मुझे अफसोस है मिस्टर ब्रिज, आप पर रिश्वत का शुबा है और इस सिलसिले में मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जरूर तलाशी लीजिए, मुझे यकीन है आपका शुबा गलत साबित होगा। आइए आओ। क्या बात है बेटा, तलाशी काहे की? कुछ नहीं माता जी, इन लोगों का ख्याल है कि मैंने रिश्वत ली है। रिश्वत? नमस्ते माता जी। कौन? घनश्याम है माँ। घनश्याम? हाँ माता जी। ये बात क्या है, किस्सा क्या है, कुछ तो बताइए इंस्पेक्टर साहब। तलाशी ली जा रही। तलाशी? और इंस्पेक्टर के घर की? क्या बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ, कानून से कोई नहीं बच सकता। अच्छा कानून है आपका, खामखा आप शरीफों की पगड़ी उछाल लें। आप खामोश रहिए साहब, हम लोगों को सर्च करने दीजिए,
जरूर जरूर, मगर याद रखिए आप जिसके घर की तलाशी ले रहे हैं वो एक बड़ा दयानतदार आदमी है। इसकी चाबी दो, इन्हें अलमारी की चाबी दे दो। चाबी? हाँ हाँ दे दो चाबी, इसमें डरने की क्या बात है। नहीं नहीं मैं कहता हूँ इन्हें चाबी दे दो। खोलो इसे। बस इसी की तलाश थी हमें, हथकड़ी लगा दो इन्हें। नहीं नहीं मेरा बेटा बेकसूर है, जरूर किसी की शरारत से। इन्हें छोड़ दीजिए, कसूर तो मेरा है। ये हार तो एक बुढ़िया आज जबरदस्ती मुझे दे गई थी, मैं तो ले भी नहीं रही थी, मगर बड़ी गलती की तुमने जो ले लिया। पुलिस ये उज्र नहीं मान सकती, तुमने हम लोगों का सर नीचा कर दिया। उषा अपने जेवरों के लालच में आकर तुमने मुझे हथकड़ियां पहना ही दी। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि माँ बला से अंधी रहे, तुम अपने जेवर बनवा लो, लेकिन तुम तो न जाने मुझसे किस जन्म का बदला ले रही थी। अब अपना पाप खुल गया तो इस पर बरस रहे हो। दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है भैया, मगर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। सोना चांदी चीज ही ऐसी है भैया कि बड़े बड़े आदमियों के पैर डगमगा जाते हैं। चुप रहिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिन्होंने न डगमगाने वाले पाँव भी डगमगा दिए। चलिए। ओहो ये दिलेरी है, रिश्वत लेकर खुद जेल जाने पर जोर दिया जाता है। हराम के माल में बड़ी ताकत है भैया। जी हाँ वो तो आपके यहाँ आने ही से जाहिर है। चलिए। नहीं नहीं इसे न ले जाइए, ये बेकसूर है। इसका फैसला अदालत करेगी। नहीं छोड़ दो मेरा, मुझे ले चलो। आप इनकी बातों का ख्याल रखिए। मैं सच कहती हूँ ये बेकसूर है, इसे न ले जाइए। माता जी कहाँ ले जा रहे हो इसे, इसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। माता जी प्लीज प्लीज बेटा, ये क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। माता जी बेटा भैया हम बुरे हैं या भले, अब आपके सिवा कौन है जो हमारी मदद करेगा। आप उनके साथ जाइए और किसी तरह छुड़ा लाइए। अंधेरे में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, मैं माफी चाहता हूं। भाभी 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 मेरी मदद कीजिए, मेरी भूल की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है, उन्हें बचाइए। किसे बचाऊं, क्या हुआ। उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस, तो मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी कुछ भी कीजिए, उन्हें किसी तरह छुड़ा लीजिए। भला मैं किस तरह बचा सकती हूँ, जो दुनिया में जैसा करता है वैसा भरता है। वो तो बेगुनाह है, गुनाह तो मेरा है। एक बुढ़िया मुझे वो जेवर दे गई थी जिनकी वजह से उन पर मुसीबत टूट पड़ी है। तो फिर ये तुम्हारी खुशनसीबी है जो तुम बच गई। भाभी ये आप क्या कह रही है, उस दिन तो आपने मुझे अपने सारे जेवर दे दिए थे और आज एक जेवर के लिए दिल की तसल्ली तक नहीं देना चाहते। उस दिन के जेवर तो सब झूठे थे, आज का जेवर सच्चा है देवरानी। जैसा जेवर लिया है कीमत भी तो वैसे ही भरना पड़ेगी। भाभी अगर उस दिन तुम मुझे अपने जेवर नहीं देती तो आज मैं ये जेवर कभी कबूल नहीं करती। उस दिन मुझे जेवरों का लालच देकर आज मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे तबाह किया है, तुमने मुझे लूट लिया। होश में आओ महारानी, होश में आओ। अब शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, अपना सोना खोटा निकला तो पराये को दोष देती हो। उस दिन तो तुम पराई नहीं थी। भले के सब अपने होते हैं, बुरे का कोई पराया भी नहीं होता। वो ठीक कहते थे कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम लोगों के दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। आज अपना सब कुछ खोने के बाद मेरी आंखों से पर्दा उठा है, पहचान लिया तुम्हें। अच्छा पहचान लिया, तुम निकलो मेरे घर से, मैं अपने घर में पुलिस पुलिस का झगड़ा नहीं चाहती। क्यों नहीं निकालोगी,
जब सास को घर से निकाल दिया तो बहू को निकालने में क्यों शर्माएगी तुम्हें? तुम जैसे पापी क्या खुद नहीं ठहरना चाहती? पापी होगी तू और तेरे होते सोते। बड़ी नाक वाली थी तो नाक रगड़ने के लिए यहाँ क्यों आई? निकल यहाँ से। अरे जग्गू, वो मुकदमे का क्या हुआ? वही तो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो जी, ब्रज बाबू को 6 महीने की जेल चक्की के साथ। अपना पकाओ, अपना खाओ और ऐश करो। लग गया भाई, लग गई अंदर, लग गया। राजू ये देख, इंस्पेक्टर ब्रिज पकड़ा गया। अच्छा, ब्रिज ब्रिज क्या कहा? ब्रिज ठीक हो गया। मेरा पता नहीं फिरा भाई, मेरा दाव नहीं लगता। लगा हुआ दाव क्यों उठा लिया भाई? क्या बात है? हर बुरे आदमी में कोई अच्छाई भी होती है। शायद इन पैसों की मुझसे ज्यादा किसी और को जरूरत पड़े। फरमाइए, आपको क्या चाहिए? जो कुछ इस नुस्खे में लिखा है वो दे दीजिए। और तो कोई चीज मुझे अपने काम की यहाँ नजर नहीं आती। भाई साहब, आप बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। जी नहीं, आए तो हम इकट्ठे ही थे, जरा मिलने में देर हो गई। अरे जग्गू, जो इन्हें चाहिए वो दे दे, तू तो जानता है सारी खुदाई एक तरफ। कितना दाम है? हाँ, अभी बताता हूँ। वाटरबेरी कंपाउंड 6 रुपीज, 6 रुपए, पेनिसिलिन इंजेक्शन 45 रुपीज, 45 रुपए, और सुबह जाल पिल्स 150 रुपए। नहीं, हाँ? नहीं नहीं, 90 रुपीज, 90 रुपए खाली। जरा ठीक ठीक लगाइए। हाँ जी, आदमी देख के पैसे लगाया करके। नहीं जी, हम तो 10% आप है ना जी, जी। वही मैं हूँ, अपनी जेब में भी पराया माल रहता है। मुझे मालूम है जरा ये। बोलो बोलो। आप बोलता हूँ, वाटरबेरी कंपाउंड 2 रुपीज, 2 रुपए, 2 रुपए, पेनिसिलिन इंजेक्शन 4.5 रुपए, 2.5 रुपए। नहीं जी, खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है, और सुबह जाल पिल्स 2.5 रुपए। हाँ, अब आए। एक और अर्ज है कि अब तो मैं ये सब दे देता हूँ, दोबारा इन चीजों की जरूरत पड़े तो बाजू के दुकान में जाइएगा। नहीं साहब, मैं आप ही को तकलीफ दूंगा। अच्छा, मुझे मगर हुआ, व्यापार बड़ा अच्छा है। लो भाई, दवाएं तुम्हारी बहुत आसानी से मिल गई और इंजेक्शन डॉक्टर कल देगा। हाँ तो माता जी कहाँ है? माता जी मेरे लिए पानी लेने जा रही थी, गिर पड़ी। गिर पड़ी? हाँ, मेरी बदनसीबी से, और उम्मीद ही क्या हो सकती है, खुद तो बर्बाद हो गई, अपना भरा हुआ घर भी उजाड़ कर रख दिया। जब वो आएंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारे आंसू भगवान की मर्जी को तो नहीं बदल सकते उषा। मगर ये रोज रोज का गम भी तो नहीं देखा जाता। माता जी की आंखों के लिए कुछ करना पड़ेगा। उनकी आंखों के अलावा तुम्हारे इलाज के लिए भी तो कुछ करना होगा। तुम स्टेज को बुरा समझती हो उषा, लेकिन मुझे तो अब वही एक सहारा नजर आता है। तुमने सच कहा था भैया, गरीबी मुझे नचवाएगी। अब मुझे स्टेज पर पहुंचा दो। क्या? हाँ, माता जी की आंखों के लिए मुझे नाच नहीं पड़ेगा। गुलाबी जैसे मधु की है प्यालियाँ, मधु की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। अखियाँ गुलाबी जैसे मधु की है प्यालियाँ, मधु की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। दिन है जवानी के उल्फत की रातें, दिन है जवानी के उल्फत की रातें। तारों की छाँव में है प्यार
जैसे मद की है प्यालियाँ, मद की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। दुनिया मेरी आंखों में है तेरे ख्याल की, दुनिया मेरी आंखों में है तेरे ख्याल की। भरी हुई फूलों से है झोली सवाल की, भरी हुई फूलों से है झोली सवाल की। खिली है बहारों में हो, हो खिली है बहारों में फूलों की डालियाँ। अखियाँ गुलाबी जैसे मद की है प्यालियाँ, मद की है प्यालियाँ। जागी हुई आँखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। आधी आधी रात को ये काहे जगाए रे, आधी आधी रात को ये काहे जगाए रे। नाजुक कलाई मोरे बल खा न जाए रे, आधी आधी रात को ये काहे जगाए रे। सुन सुन खुश हुए हो, सुन सुन खुश हुए मीठी मीठी गालियाँ। अखियाँ गुलाबी जैसे मध की है प्यालियाँ, मध की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। अभी आंखों पर ज्यादा जोर ना दीजिए, रोशनी नई नई आई। देखने के काबिल तो आपने बना दिया डॉक्टर साहब, मगर देखूं किसे। बुझे हुए चिराग फिर जल गए, मगर अंधेरा दूर नहीं हुआ। माता जी उषा, अरे दारोगा जी तुम तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, कब आए? कौन हो तुम? भैया मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, क्या बताऊँ। तुम्हारे जेल जाने से तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ। वो तो होना ही चाहिए था। वो तो ठीक है दारोगा जी, मगर बहू को भी तो कुछ ध्यान होना चाहिए था। वो तो जैसे चाहती थी कि तुम जेल जाओ और वो खुल खेले। क्या बकती हो? अरे तो क्या मैं झूठ कहती हूँ? वो तो आजकल घर छोड़ के नाटक में नाचती है, इसी शौक में तो उसने तुम्हारी अमानत जाया कर दी। मेरी अमानत? हाँ हाँ। नहीं नहीं तुम झूठ कहती हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहती दारोगा जी, हर चौराहे पर उसकी नाटक कंपनी का इश्तेहार नजर आएगा। तुम इतना ना हम पैसे कम उठाना। हंस
के न तीर चलाना, दिल खुद ही बनेगा निशाना, तुम इतना ना हम पे सितम ढाना, गोरी इतना ना हम पे सितम ढाना। रह रह के याद सताए, रह रह के याद सताए, गोरे गालों पे ओ गोरे गालों पे मन लल जाए, गोरे गालों पे मन लल जाए, कुछ अपनी निशानी दिए जाना, दिल खुद ही बनेगा निशाना, तुम इतना ना हम पे सितम ढाना, गोरी इतना ना हम पे सितम ढाना। छुपाना ना ओ मुझ छुपाना ना घूंघट उठा के, मुझ छुपाना ना घूंघट उठा के, गोरी हमसे ना तुम शर्माना, दिल खुद ही बनेगा निशाना, तुम इतना ना हम पे सितम ढाना, गोरी इतना ना हम पे सितम ढाना। झुका हुआ सर इस काबिल भी नहीं कि कोई शरीफ आदमी उसे ठोकर ही लगा दे। तुमको तो इत्मीनान होगा कि मैं जेल गया हूँ और अब शायद वापस भी ना आ सकूंगा। तुम्हारे ढके छुपे सारे पाप जाहिर हो गए। नाथ खामोश, अब ये लफ्ज तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं मालूम होता। जलील आवारा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो कुछ कहना चाहे कह सकते, मगर ये मत कहिए मैं इतनी गिरी हुई नहीं। औरत के गिरने की कोई रोक नहीं होती। तुमने तो औरत की शर्म को थिएटर का पर्दा समझ रखा है। जब चाह गिराया, जब तालियां बजी उठा दिया। आप इतना कुछ कह रहे हैं, मेरी मुसीबत तो सुन लीजिए। सब कुछ सुन चुका हूँ। अपनी इज्जत की नीलाम की कहानी, तुम्हारी बेआबरूई का अफसाना,
सब कुछ सुन चुका हूँ। कहाँ है मेरी अमानत, कहाँ है मेरा बच्चा? बच्चा? जवाबी क्या दे सकती है इस बात का? बच्चलन? खबरदार, जो मेरे घर और मेरी नजर के सामने आई, मैं तेरा मुंह देखना तक नहीं चाहता। बाबू साहेब, आपने उस दुखिया के मुंह पर थप्पड़ मारा है, कुछ उससे सुन तो लिया होता। फांसी पाने वाले कैदियों की भी आखिरी आरजू सुन ली जाती है। तुम कौन हो? मैं उस दुखिया का भाई हूं। बहुत सुन चुका हूं तुम्हारे मुतालिक भी। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी बहन भी निकली। बाबू साहेब, आपने उस कमबख्त को तमाचा मारा है, वो तो भूल जाएगी, लेकिन मेरे दिल पर जो आपकी बातों से घाव पड़ेगा वो भर ना सकेगा। फिर क्या कर लोगे? कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन अफसोस के नुकसान अपना ही होगा। ये तुम हो कि आंखें निकालकर मेरे साथ बातें कर रहे हो, वरना और कोई होता तो पोटियां नोच लेता। अबे जा, आया पोटियां नोचने वाला। साहब, जो जहर आपने उषा के लिए ब्रिज के दिल में भरा है उसे चल के निकालिए। जहर? मैं जहर बेचा करता हूँ, किसी के दिल में भरा नहीं करता हूँ। जा जाओ यहाँ से। सेठ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम हाथी दांत के बने हुए, हाथी दांत के खाने के और दिखाने के। और चलो सीधी रीत से। जा जा, मैं तेरी गुंडागर्दी को अच्छी तरह जानता हूँ और तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ। जाकर कहीं भजन सुन ताकि दिमाग सही हो जाए। ए भैया, निकाल दो इसे। तो दिमाग ठंडा कर दूं? अरे इस बदमाश ने मुझे चाकू मार दिया। कोई है? अरे कोई है, पकड़ो इसे। अरे सुनती हो? आए मैं मरा। क्या क्या हो गया? अरे बदमाश ने मुझे चाकू मार दिया, मैं मरा जा रहा हूँ, किसी को बुलाओ। अरे कोई है? कोई सुनता है? अरे अरे कोई नहीं सुनता, तेरा सत्यानाश जाए। माता जी बचा ली, माता जी मैं लुट गई। कहिए क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? तुम्हारे भाई को किसी बदमाश ने छुरा मार दिया। चलो छुट्टी हो, मैं तुम्हारे आगे माथा टेकती हूँ, उन्हें चलकर बचा लो। ये समय दिल के बुखार निकालने का नहीं है। समय? समय दौलतमंदों के इशारों पर नहीं बदलता, समय पर दौलतमंदों के इशारे बदलते हैं। भाभी, आसमान से लगा हुआ सर जमीन पर आ रहता है। मैं अपना सर झुकाती हूँ, तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। मुझे मेरा सुहाग दे दो ब्रिज, मेरे भाई, मेरा सुहाग दे दो। मुझसे सुहाग मांगने आई? मेरे बाप की जान तुमने ली, मेरा घर मुझसे छुड़ाया, उषा को जेवरों का लालच देकर मुझे जेल भिजवाया, आज दया मांगने आई हो? तुमने दिया क्या है जो लेने आई हो? आग देकर पानी चाहती हो? कलेजा घायल करके मरहम ढूंढती हो? आज तुम मेरे तमाम आंसू ले लो, मेरे दिल की एक खुशी दे दो ब्रिज। चलो ब्रिज। ब्रिज महला। बड़ी बहू, तुम यहाँ कैसे? उन्हें किसी बदमाश ने छुरा मार दिया है। घनश्याम को? हाँ, दम तोड़ते हुए छोड़कर आई हूँ। मेरा बच्चा, मेरा लाल, कहाँ है घनश्याम? मुझे ले चलो उसके पास। माँ। हाँ ब्रिज, जब एक अंधी माँ की आंखें बन सकती है तो उसका दिल अपने खोटे बच्चे के लिए आंसू भी नहीं बहा सकता। मुझे ले चलो उसके पास बहू। अब उसे न पुकारिए माँ, वो ऐसी जगह है जहाँ शरीफों की आवाजें नहीं पहुँचती। आप मेरे साथ चलिए। अरे भाभी, ये तो बेहोश हो गए। इन्हें तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ चलो। तो आप ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकाले। जरा देखो तो क्या हाल है। हिम्मत ना हारिए भाभी, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। कहिए डॉक्टर साहब क्या हाल है? हालत अच्छी नहीं है, खून देना बहुत जरूरी है। खून? मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन खून टेस्ट करना होगा। भाई से भाई का खून कभी नहीं जुदा हो सकता। चलिए ब्रिज।
नर्स, नर्स तो मालूम। मुंह पर आबरू का चंदन मला था, आज दुनिया ने उस मुंह पर बदनामी की कालक मल दी। अब जीकर क्या करूं? पगली, चंदन की खुशबू जलने से और बढ़ती है, सच कहीं छुपाने से छुपता है। बहुत दुख हुआ था तो जी भर कर रो लेती, जान क्यों दे रही है? इज्जत की तरह आंसू भी जाते रहे, अब ये मुंह खून से ही धोना है। तो क्या मेरी आंखें इसलिए बनवाई थी कि बनवाने वाले के माथे पर सुहाग का टीका देखने के बदले खून का धब्बा देखूं? ये चराग इसीलिए जले कि जिंदगी भर अपने जलने का तमाशा देखे। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बहुत अच्छी है माँ। गम का इलाज मौत नहीं है, गम को सह लेना है बेटा। चल मेरे साथ, ब्रिज घर आ गया है, मैं उसे समझा दूंगी। मैं जानती हूँ मेरी आशाओं की सुबह हो चुकी है, लेकिन उषा को सुबह के उजाले से पहले ही डूबना पड़ता है माँ। मैं खुश हूँ कि आपके साए में सुहागन रहकर मैं इस दुनिया से उठ रही हूँ। उषा, अगर तू इस दुनिया से चली जाना चाहती है तो मुझे भी साथ ले चल। क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, तुझसे पहले मैं मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आपने तो मेरे कदम भी टपका दिए। ममता मरते हुए की जान भी बचा लेती है, माँ आपके आंसुओं में मेरी मौत भी डूब गई। उषा चल। ए हवलदार, क्या है वो सेठ अभी मरा के नहीं? चुप रहो। तुमने मुझ पापी को क्यों बचा लिया? जिसने पैदा किया उसी ने बचाया है भैया। मैं गुनहगार हूँ, जेल भी तुम मेरी ही तरकीबों से गए थे। तुम ज्यादा बात मत करो, मुझे मर जाने दिया होगा। उषा के खिलाफ भी मैंने ही तुम्हारे दिल में शुबा पैदा किया था, वो बेचारी बेकसूर है। भैया ये क्या किया? देखिए साहब, आप दोनों चुप रहिए। नहीं डॉक्टर, मुझे बोलने दो, मैं अपने दिल पर गुनाहों का बोझ लेकर मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो ब्रिज, मैं तुमसे और उषा से बहुत शर्मिंदा हूँ। घनश्याम बेटा। माता जी। ब्रिज, ये क्या? माता जी,
रेडी भाई रेडी। अरे भाई जरा ठहरना जरा ठहरना। अरे राधा तू आ गई। भैया मैंने सुना था कि किसी ने जख्मी कर दी। अरे वो तो डॉक्टर ने सब ठीक कर दिया। चलो अरे ठहरो तो सही है मुझे पैसे। मैं दी दे। अरे तुम रहने दो। ए भैया गाड़ी वाले को पैसे दे दे और सामान उतार ले। चला ये राधा आई है। राधा राधा मेरी बेटी। नमस्ते नमस्ते। अरे ये सब बाद में होता रहेगा पहले तुम यहाँ आओ। यहाँ चल भाई ये फोटो खींचने वाले तैयार हो जा। बहुत अच्छा चलना भाई। इधर ठहरना भाई। हो इंस्पेक्टर साहब कहिए। मुबारक हो मिस्टर ब्रिज आप फिर से इंस्पेक्टर पुलिस के अहदे पर बहाल किए गए हैं। ये आपकी बहाली का कागज। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है मिस्टर ब्रिज कभी कभी खुशी को गम से बदल देने का फर्ज भी हम लोगों को अंजाम देना पड़ता है। ये आपकी भाई की गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट ये क्यों। वह बुढ़िया जिसने आपको हथकड़ी पहनवाई थी गिरफ्तार कर ली गई और आपके भाई के सारे पाप जाहिर हो गए। देखिए इंस्पेक्टर साहब आप ये वारंट अपने ही पास रहने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल सुबह मैं भाई साहब को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाऊंगा। इस वक्त बिछड़े हुए दिलों को मिलने दीजिए। अच्छी बात है आप कुछ ख्याल न कीजिएगा। हम लोग अपने फर्ज से मजबूर होते हैं। नहीं मैं जानता।